नमस्कार, न्यूज फ्रेंड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों की ओर। राजवाड़ा पर नगर निगम के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची लोकसभा स्पीकर महाजन। गुड़ी पड़वा के पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देकर सुमित्रा महाजन महिलाओं को लगाया हल्दी कुमकुम, मुंह मीठा कर कर दी बधाई। जिला अस्पताल परिसर और जीएनटी मार्केट के पीठे में भीषण आग, मशक्कत के बाद काबू पाया। जिला अस्पताल परिसर में खाली पड़े मैदान में रखे कचरे के ढेर में लगी थी आग। उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने किया खजराना गणेश जी के दर्शन, अभिषेक कर टीना अंबानी ने उतारी आरती, लगाया लड्डुओं का भोग। इंदौर के उद्योगपति पीसीएम हाइट्स के राजेश मेहता भी थे शामिल। शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर और इंदौर से भाजपा की सांसद सुमित्रा महाजन ने पत्र जारी कर चुनाव लड़ने से कर दिया था इनकार। महाजन को मनाने पहुंचे कई नेता, ताई अब तक नाम घोषित नहीं होने से थी नाराज, कहा यदि पार्टी के टिकट देती है तो निर्णय पर पुनः विचार करूंगी। यूपीएससी में इंदौर के देवास नाका क्षेत्र में रहने वाले पेट्रोल पंप कर्मचारी मनोज सिंह के पुत्र प्रदीप ने की 93 रैंक, पहली बार में ही परीक्षा पास की। शोरूम को अवैध तरीके से पानी बेचते पकड़ा निगम का टैंकर, 50,000 रुपए का लगा जुर्माना। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में अब तक 38 लाख जब्त, 16,000 से अधिक बैनर पोस्टर हटाए। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ताओं की लगाई क्लास, उन्हें निर्देशन देते हुए कहा कि जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामी उजागर करें। इंदौर के तुकोगंज इलाके में 16 साल की एक नाबालिग किशोरी को अकेला पाकर एक बदमाश युवक ने की छेड़छाड़ करने की कोशिश, पुलिस ने किया केस दर्ज। फिल्म पीएम मोदी के रिलीज पर रोक लगाने से कोर्ट का दोबारा इंकार, कहा 2 दिन पहले ही खारिज कर चुके हैं ऐसी याचिका। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सार प्रदेश।